मनेंद्रगढ़ के शहर के वार्ड क्रमांक 16 टीवी टावर रोड सोसाइटी के सामने भालुओं का झुंड विचरण कर रहे थे, जिन्हें देखकर कुत्ते भौंक रहे थे कि इसी दौरान सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति ने बाहर निकलकर कुत्ते के भौंकने की वजह जाननी चाही तो देखा कि भालू विचरण कर रहे हैं। वह भालू से बचते हुए अपने मोबाइल में वीडियो बना लिया, जो वीडियो आज वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक से ज्यादा भालू उक्त झुंड में हैं और निश्चित होकर वह विचरण कर रहे हैं। शहर के भीतर विचरण कर रहे भालुओं द्वारा फिलहाल किसी को घायल किया गया है, ऐसी कोई खबर तो सामने नहीं आई, लेकिन वह किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते थे, यह बात कही जा सकती है। भालुओं के शहर में विचरण को लेकर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि वन विभाग अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है और वह जंगली जानवरों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हाल फिलहाल में कई जंगली जानवरों द्वारा जहां जनहानि जनक्षति की घटना को अंजाम दिया गया है, वहीं कई जंगली जानवरों को भी क्षति पहुंचाई गई है। ऐसी भी खबरें सामने आती रहती हैं कि अब वन विभाग क्या केवल मुआवजा वितरण या जंगली जानवरों के अंतिम संस्कार के लिए ही बनाया गया है, शासकीय विभाग है या अधिक से अधिक निर्माण कार्य करने तक ही उनका दायित्व सीमित है। यह सवाल उठ रहा है, जंगली जानवरों के विचरण पर विभाग को नजर बनाए रखना है और उनकी गतिविधियों सहित उनके हमलों से जहां जनता को सुरक्षा प्रदान करना है, वहीं उन्हें जंगली जानवरों की भी जान की सुरक्षा करनी है। मनेंद्रगढ़ से फैजान अख्तर की रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज़।